वेलकम मिसलेनियस एपिसोड, इसमें आप सबों का स्वागत है। टू डेज पहले 29th अप्रैल 2017 को SBI PO प्री का जो एग्जाम हुआ था, उसी में डिफरेंट चैप्टर से आए हुए ये 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ बातें पहले कहना चाहूंगा, आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर के 29th अप्रैल 2017 वाले के मैंने दोनों DI सॉल्व करके दे दिए, मिसलेनियस का 1 एपिसोड दे दिया और मिसलेनियस का ये दूसरा एपिसोड है। सीरीज भी मैं दे चुका हूँ, अप्रॉक्स का बाकी है, वो भी बहुत आसान है। एनालाइज करने से क्या नजर आता है कि इस 35 में 35 क्वेश्चन विद इन गिवन टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे सारे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट में तो बाहर होने का सवाल नहीं उठता, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज आए हैं। आप आइए देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो टाइम एंड डिस्टेंस का है, एकदम यही क्वेश्चन है जो पहले सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। पार्टनरशिप का ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनसे ये बाहर की चीज हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए, ये एजेस का सवाल है, एजेस का देखते ही आप आंसर बोलेंगे, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और ये एवरेज का सवाल है, सबसे आसान एवरेज के क्वेश्चन में से है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाना चाहिए कि जिस रूप में आपकी स्टडी चल रही है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, हो नहीं सकता। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि आप सभी हमारे स्टूडेंट अलग अलग स्टेज में हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों ने बहुत बेहतर किया है, कुछ को टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को समझने में कुछ कुछ दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह क्या है और वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे? इसकी वजह ये है कि वीडियोस को उन्होंने ऑर्डर में नहीं देखा है। बहुत जल्दी में कुछ कुछ वीडियोस अच्छे लगते हैं और वो आप देखते चले जाते हैं। कोई वीडियो और कोई क्वेश्चन अच्छा लगना अलग बात है। अच्छा, तो आज अगर आपका पहला क्लास है तो भी ये क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा ना। कॉन्सेप्ट एक चैप्टर का होता है, मूल रूप में उसका डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, ये समझने के लिए उस चैप्टर में जाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। मैंने तो वीडियो बनाया था कि वॉच माई वीडियोज हाउ टू गेट सक्सेस इन जस्ट 2 मंथ्स, तो 2 मंथ तो दीजिए। ऑर्डर में 2 मंथ्स जो दिन रात एक करके पढ़ ले उसका सिलेक्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आप में जिनको जिनको जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, मैं इंडिविजुअली तो आंसर नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं एक साथ कि धैर्य रखिए, सिलेक्शन नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, ये मन से निकाल दीजिए। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, SBI में किसी कारण से अगर नहीं हो पाया तो आप जो ये घनघोर स्टडी कर रहे हैं, अभी फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे बैंक का भी निकला हुआ है और अंततः इस साल के अंत में IBPS तो होगा, वो फाइनल है, उसमें तो हर हालत में निकलना है। तो जो लोग आज घनघोर मेहनत कर रहे हैं वो कहां जाएगा? उनका सिलेक्शन इस बीच होगा और नहीं तो IBPS फाइनल होगा। इसलिए नहीं होगा ये दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रोज अपने में इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है? ये मुझे कहना था, एक साथ मैंने कहा। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, आइए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन है, इनसाइड ए स्क्वायर प्लॉट ए सर्कुलर गार्डन इज डेवलप्ड which exactly fits in the square plot
and the diameter of the garden is equal to the side of the square plot, which is 28 meter. What is the area of the space left out in the square plot after developing the garden? देखिए सीधा हिंदी बोलने की तुलना में मैथमेटिक्स में हम क्यों ना बोलें? एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है भाई, स्क्वायर प्लॉट है, ओके है, स्क्वायर प्लॉट है, उसके अंदर एक सर्कुलर गार्डन बनाया जा रहा है और वो गार्डन ऐसा है सर्कुलर जो साइड्स को टच करता है, साइड्स को टच करता है तो आप समझ ही रहे हैं, फिर तो आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। साइड्स को टच करेगा तो ये डायमीटर तो बराबर होगा इस साइड के, बस बस बस। जब ये गार्डन डेवलप कर लेंगे, अब प्लॉट इतना है तो इसका एरिया निकालिए, ये पूछा है, तो बेहद आसान है। ये जो 28 मीटर मीटर है ये क्या है? साइड है, तो इसका एरिया क्या हुआ? 28 का स्क्वायर हुआ। और इसमें से ये जो सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है, उसका डायमीटर 28 मीटर है, तो रेडियस क्या हुआ? 14 मीटर हुआ। और इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया इस पूरे में से लेस कर देंगे तो जो एरिया बचेगा, ये पूछा है, पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 14 स्क्वायर, मतलब 14 × 14। सॉल्व थोड़ा ढंग से कीजिए भाई, सॉल्व आप जानते हैं, सॉल्व ढंग से करेंगे तो क्या होगा? ये 28 हुआ ना, 28 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे, एक 28 बचेगा, -22 बचेगा। बोले कितना बढ़िया से 6 हो जाएगा, 28 × 6 हो जाएगा। इसे भी आप 30 बोलेंगे तो 180 बोलेंगे और उसमें से 6 × 2 = 12 लेस हो जाएगा तो 168 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मजा आएगा बताइए। अच्छा, इसमें जिनको प्रॉब्लम हुआ थोड़ा देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ होगा। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया होगा ना साइड स्क्वायर 28 स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 × r × r, r r मतलब रेडियस कितना हुआ, डायमीटर 28 हुआ तो 14 × 14 7 से कैंसिल कीजिए, ये 28 × 22 है और 28 × 28 है, 28 कॉमन ले लेंगे तो 28 − 22 बजेगा, यानी 6 बजेगा कि नहीं? 6 × 30 बोल देते हैं, 28 को 30 बोल देते हैं, तो कितना सुंदर से हो जाता है, 180 में से 12 लेस कर दीजिए तो 168। मेरे ख्याल से अब ये सबको समझ में आ गया होगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मेंसुरेशन से था, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप का थ्योरी जानते हैं आप, इफ इफ अदर कंडीशंस आर द सेम, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारी स्थितियां समान हो तो पूंजी के अनुपात में लाभ का वितरण होता है, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसा नहीं है, टाइमिंग फैक्टर है तो टाइम को इक्वल बनाते हैं और उसके बाद फिर कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000 एंड ₹18,000 रेस्पेक्टिवली, आफ्टर 4 मंथ्स आर ज्वाइन द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000, आफ्टर 2 मोर मंथ्स क्यू लेफ्ट द बिजनेस विद हिज कैपिटल, एट द एंड ऑफ द ईयर पी गॉट शेयर ऑफ ₹4,500 इन द प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड। जिनका पैसा जितने दिनों तक रहा है हिसाब कर दीजिए, सुनिए ना, यहां थाउजेंड थाउजेंड यहां लिखा हुआ है, थाउजेंड थाउजेंड थ्री जीरो, अरे छोड़िए ना, 15 बोलिए ना, 1000 का नोट मैं 15 इन्वेस्ट करूं और आप 30 इन्वेस्ट करें तो मेरी तुलना में डबल पैसा हुआ तो डबल आपको मिलेगा कि नहीं बताइए, तो मैं अपना 15 और आपका 30 क्यों ना बोलूं, 30 देके क्यों बोलूं, समझ गए, 1000 के नोट बोलता हूं क्योंकि सबका 1000 है। आइए आप देखिए कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक।
पी ने 15,000 इन्वेस्ट किया, ओके यहां लिखता हूं 15,000, ओके 15,000, और क्यू ने 18,000 इन्वेस्ट किया, ओके 18,000, बिजनेस स्टार्ट हुआ। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने गुजर गए, इसका भी 4 मंथ तक रहा, इसका भी 4 मंथ तक रहा, ठीक, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं तो चुप रहते हैं। आफ्टर 4 मंथ आर ज्वाइंड, ओके आर अब आ गए, 4 मंथ के बाद आए हैं, ओके 4 मंथ के बाद आए हैं, विद कैपिटल रुपीज 10,000, ओके 10,000, ये कितने दिन रहा अभी तक हमें मालूम नहीं, 4 मंथ तो अवश्य रहा है, 4 मंथ तो अवश्य रहा है, और 4 अभी लिखते नहीं है, 4 मंथ तो अवश्य रहा है, और ये तो 4 मंथ के बाद आया ही है, ठीक है। यहाँ के बाद आफ्टर 2 मोर मंथ्स, रुकिए 6 मंथ अब तक गुजर चुके हैं, 6 मंथ में इसका भी 6 मंथ, इसका भी 6 मंथ, इसका 2 मंथ क्योंकि 4 मंथ के बाद आया, 6 मंथ, हाँ आफ्टर 2 मोर मंथ, ओके 6 मंथ, क्यू लेफ्ट द बिजनेस, अच्छा ठीक है आप 6 मंथ रह के चले गए, ओके जाइए विथ हिज कैपिटल, चले गए 6 मंथ ही रहे। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 ईयर गुजर गया, इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया तो 12 मंथ तक रहा, यानी इनटू 12 फॉर 1 मंथ, और ये 4 मंथ के बाद आए, ईयर के एंड तक रहे तो ये 8 मंथ, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विद इन द गिवन टाइम 1 मंथ, यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। कैंसिल कीजिए किससे करें, 3 तो फैक्टर है नहीं, 4 फैक्टर है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 3 जा बोले, 4 से यहां से 2 निकाल लिए, यहां से भी 2 निकाल लिए, और 4 से इसको बोले, क्या रेशियो आया 45:27:20। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्वेश्चन में कहता है पी गॉट अ शेयर ऑफ रुपीज 4,500 इन द प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। टोटल प्रॉफिट का यहां तक सवाल है, टोटल प्रॉफिट का यहां तक सवाल है, इसको ऐड कर दीजिए 40, 20, 60, 20, 80 and 12, 92 होगा कि नहीं, और 45 को यदि हम 4500 बोलते हैं, गिवन, तो भाई 92 को क्या कहेंगे बताइए, ये 100 टाइम्स है कि नहीं, तो ये भी 100 टाइम्स है, 9200 कहेंगे आंसर, 9200 रुपीज आंसर, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। इतना पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाए हैं, वैरायटी बनाए हैं, इसके सवाल नहीं, इसके समझ में नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ये समझ गए, इसे मिटाऊं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, इस बार मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए 5 क्वेश्चन कितने शानदार तरीके से बनाया जा सकता है, आपने बनाया भी होगा। आइए ये क्वेश्चन, एक टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था पिछले मिसलेनियस वाले सेक्शन में, इसी एग्जाम का वो, और ये टाइम एंड डिस्टेंस, ये रियल में कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपने पढ़ा है या नहीं, आपने मेहनत किया है या नहीं, आपने समझा है या नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं पहले, आइए देखिए। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी किलोमीटर, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 3 times ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 2 times ऑफ द टोटल डिस्टेंस, if the time taken to cover the distance along the stream is 10% less than the time taken to cover the distance against the stream, if a person covers a distance of 21 km in 1 hour and 24 minutes along the current or the stream, then find the rate of current. Agar kinhi ka concept clear nahi hai to is question ke to banne ka sawal nahi uthta, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, आप में से जिन लोगों ने भी ये बोटन स्ट्रीम का सवाल, डायमंड डिस्टेंस तो ठीक है उसके अंदर, ये बोटन स्ट्रीम का सवाल, ये बोटन स्ट्रीम का सवाल समझ करके एक नंबर वीडियो से पढ़ा होगा तो उन्हें समझ में आना चाहिए। देखिए ऐसा है कि किसी डिस्टेंस को ये परेशान करने के लिए बेवजह का है, मान लीजिए ये ए है, बी है और इसका डिस्टेंस डी है, ठीक है,
इस डिस्टेंस को मानते हुए कहा भाई रिवर में हम इसका ट्रिपल जाएंगे अलोंग द करेंट, भाई अगेंस्ट में हम टू टाइम्स जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है इसका ट्रिपल जाएंगे इसका डबल जाएंगे। ओके रेशियो रेशियो बिटवीन द टाइमिंग रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस आर 3:2। रिवर में डाउन में जाएंगे धारा की दिशा में जाएंगे। अच्छा इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि स्टिल वाटर में आपका स्पीड यू हो और करंट का स्पीड वी हो तो यू प्लस वी को एक्स कहते हैं, जो धारा की दिशा में करंट के डायरेक्शन में आपका स्पीड होता है, और करंट के अगेंस्ट में स्पीड यू माइनस वी यानी वाई होता है। इसको समझ लीजिए, पहले भी आप देखे होंगे, मान लीजिए रिवर ना रहे पॉन्ड रहे कोई करंट ना रहे और आप 10 किलोमीटर पर आवर से स्विम करें तो आपका स्पीड हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर में अगर करंट 3 के रेट से फ्लो कर रहा हो और आप डाउन में जाएंगे धारा की दिशा में जाएंगे तो 10+3 13 से आप बहेंगे, योर स्पीड विल बी 13 और अगेंस्ट में 10-3 7 होता है। इसे ही एक्स वाई कहते हैं, यू प्लस वी माने एक्स यानी 13, यू माइनस वी यानी 7 यानी वाई। बस बस बस, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से वोडन स्ट्रीम में और कोई अंतर ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ठीक है वहां पर डाउन में स्पीड को एक्स बोलते हैं, अप में स्पीड को वाई बोलते हैं, ओके बोलते हैं तो क्या हुआ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्पीड एक्स है और वाई है, डाउन में एक्स बोलते हैं और अप में वाई बोलते हैं, तो स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होता है? जो डिस्टेंसेस आप कवर करते हैं डिवाइडेड बाय जो टाइम आपको लगता है, यही ना स्पीड होता है। फर्स्ट आपने आपका जो डिस्टेंस का रेशियो है 3:2, ये डी लिखने की क्या जरूरत है 3D 2D, अरे 3:2। और टाइमिंग जो लगता है, देखिए डाउन में आप 3 times जाते हैं, लिखा है ना डाउन में, अलोंग द करंट धारा की दिशा में स्ट्रीम धारा की दिशा में 3 times जाते हैं और अगेंस्ट में 2 times जाते हैं, तो 3:2। और टाइमिंग जो है धारा की दिशा में थोड़ा कम लगेगा, वो 10% कम लगता है उसका जो कि आप अगेंस्ट जाते हैं, तो अगेंस्ट अगर 100 minutes लगता हो 100 unit टाइम लगता हो तो 10% कम यानी 90 लगता है। कहने का मतलब इसका रेशियो जो है वो 9:10 है, सिंपल इसको डिवाइड कर दिया, बस यही तो स्पीड का रेशियो है, यही तो स्पीड का रेशियो है। इसे भी थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, देखिए 5:3 यही तो है, x:y क्या है 5:3। ठीक, उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है कि पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर इन 1 hour and 24 minutes अलोंग द करंट, धारा की दिशा में जाएंगे तो x का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्या, तो आप 21 किलोमीटर जाते हैं, ओके 1 hour 24 मिनट्स में, तो 1 hour 24 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, कितना हुआ देखिए 7/5, तो देखिए ये 15 हुआ कि नहीं, यानी 15 किलोमीटर पर आवर, देखिए 7/5 हुआ कि नहीं, 7/5 आवर में आप 21 किलोमीटर जाएंगे आवर में, सॉल्व कीजिए आता है ना 15 किलोमीटर पर आवर, तो 5 का मतलब हुआ 15 किलोमीटर पर आवर, पावर तो 3 का मतलब क्या हुआ, देखिए तो 5 का मतलब 15, 3 टाइम्स है ना, तो ये भी 3 टाइम्स हुआ, तो ये 9 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए, अब बताइए कि x का वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर है और y का वैल्यू, ये x है और ये y, 9 किलोमीटर पर आवर है, तो v जो होता है वो 15-9/2 होता है कि नहीं, 6 देखिए, यानी कि ये 15 किलोमीटर पर आवर है और ये 9 किलोमीटर पर आवर है, तो 6/2 हुआ तो 3 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं, बोलिए, तो इसका स्पीड जो हुआ वो 3 किलोमीटर पर आवर है, बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं, ये जो स्पीड था 15 किलोमीटर पर आवर, तो 5 का मतलब 15 है, तो 3 टाइम्स 3 का 3 टाइम्स 9 हुआ, अगर हमको u निकालना रहता तो x+y/2 बोलते 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर होता हमारा और 15 होता मतलब 3 से धक्का दिया, 3 किलोमीटर पर आवर भी है, ये आप बोटन स्ट्रीम पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि ये 3 किलोमीटर पर आवर है, समझ में आया, ये हमारा 3rd क्वेश्चन था, ठीक है, इसे मिटाऊं,
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर किसी कारण से समझ में ना आया हो तो इसको फिर से बैक करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, मैंने सब कुछ कह दिया है। और इस चैप्टर में जाके देखेंगे मिसेलेनियस के और भी क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन एट प्रेजेंट इज 5:2 रेस्पेक्टिवली। ओके, 4 years हेंस द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ द सन एंड हिज मदर है। And his mother will be 1:2. इसमें 3 unknowns आ रहे हैं, 1:2 respectively. What is the ratio between the present ages of the father and mother respectively? ठीक है, ये mother था, यहाँ पर ठीक करना। तो आप थोड़ा सोचिए, 3 unknowns है, जैसे ही सोचेंगे बोलेंगे no, can't be determined, get an adequate answer. मतलब इसमें तो समय ही नहीं लगना है, अगर आप nature समझते हैं ना, chapter के nature से परिचित हैं तो no problem. आप देखिए, एक तरफ फादर और सन का रेशियो दिया है, ओके, और सन और मदर का रेशियो दिया है, अगर एक ही समय में दिया जाता तो निकलता, लेकिन उस समय नहीं है, 4 years hence है, इसलिए निकलेगा नहीं, 4 years hence, मतलब कोई उपाय नहीं है। आप थोड़ा देखिए, फादर एंड सन है और इधर सन एंड मदर है, तो अगर हम इसका रेशियो जो दिया जा रहा है, देखिए 5:2 आज का है, 4 years hence ये कहा जा रहा है कि 1:2, आप कुछ नहीं कर सकते, 4 years hence है, आप अगर इसे x मानते हैं तो इसे y मानना होगा, अलग है, नेचर है, और इसमें -4 करेंगे तो यहां आएगा, समथिंग मोर डाटा इज आर नीडेड, ये 2x = y - 4 और ये 2y - 4 हम निकाल नहीं सकेंगे। देखिए इसको यहां लाइए, 4 years hence है ना, तो यहां पर आकर के हो जाएगा y - 4 और ये हो जाएगा 2y - 4। अब बताइए इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, 5x / 2y - 4 और y का वैल्यू x में लाएंगे भी तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं निकलेगा, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये हमारा फोर्थ नंबर था। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये एज तो है लेकिन एवरेज का सवाल है, The average age of a husband and wife was 23 years when they were married 5 years ago. The average age of the husband and the wife and a child who was born during the interval is 20 years now. 20 years now. How old is the child now? एकदम सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको। एवरेज एज, जो औसत आयु है एक हस्बैंड और वाइफ की 23 years थी जब वो उनकी शादी हुई थी 5 years ago, तो 5 years ago 23 थी, तो आज 5 ऐड होकर 28 हो गया, तो आज हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज है वो 28 years है, मतलब कुछ ऐसा, आज जो है हस्बैंड और वाइफ, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इनका एवरेज एज 28 years है आज, आज उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ और आज बच्चे को लेकर के तीनों का जो एवरेज एज है वो 20 years है, 20 years है, तो बच्चे का एज क्या है? अरे जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा, जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा, इस डंडे को तोड़ के गड्ढे में डाल दीजिए, 8 8 16 को डाल दीजिए, गड्ढा 16 का है, ये 20 है, तो ये हाइट क्या है? 4 years answer, वो जो बच्चा है वो 4 साल का है, फिनिश्ड। ऐसे भी पूछिएगा कि आज जो है हस्बैंड वाइफ का एज जो है उसका एवरेज 28 है, तो भाई सम 56 है, अगर इसमें यूजुअल मेथड भी करते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, सम 56 है, और चाइल्ड को लेकर के जो एवरेज है 20 है, तो सम 60 है, तो आप बोल सकते हैं 4 years है, क्योंकि बहुत छोटा डाटा है, तो आप आराम से आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था, बोलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, मिसेलेनियस के ऐसे क्वेश्चन को बना करके अब जो फर्स्ट वीक में सैटरडे संडे को 6 May और 7 May को जो एग्जाम होगा, इस बीच जाइए उसमें परफॉर्म कीजिए, अच्छा कीजिए जिनका भी बाकी है, रियली उसमें जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो तो आपसे बनेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का 5 क्वेश्चन
सीरीज का 5 क्वेश्चन और डाटा इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन में 15 लेके आइए, डीआई जो 2 है 10 25 लेके आइए, और इसमें भी सब बनेगा ही बनेगा, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे। लेकिन बी रिलैक्स, जितना मेहनत किया आपने उस पर विश्वास कीजिए, और जितना कुछ पढ़ सकते हैं पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पढ़ करके ये एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।